जय हिंद दोस्तों, दिस इज और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका भाई लेके आ चुका है एक और नई वीडियो न्यू साइलेंसर के साथ। मेरे हाथ में रखा हुआ है बैरल का स्टड साइलेंसर। आप लोग की डिमांड पे दोस्तों ये वीडियो बन रहा है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। कीप वॉचिंग दोस्तों। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इस स्कर्ट साइलेंसर का आपको लुक। कुछ इस तरीके का लुक है इसका, प्योर मेड ब्लैक कलर में है ये। बात करूँ इसके फीचर्स की, तो यहाँ पर सिरेमिक होल की जाली लगी हुई है। मीन्स ये जो साइलेंसर स्कर्ट साइलेंसर सिरेमिक होल के साथ में आता है, और इसके लुक को जो इन्हेंस कर रहा है वो है इसकी हीट रेजिस्टेंस प्लेट। आप लोग देख सकते हैं लुक को इन्हेंस करने के साथ साथ इसके लुक को थोड़ा प्रीमियम भी बना रहा है ये हीट रेजिस्टेंस प्लेट इस स्कर्ट साइलेंसर का। आप लोग क्या सोचते हैं इसके लुक के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बात करो दोस्तों इसके वेट की, तो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 किलो का ये मुझे लग रहा है। और फाइनली बात करो इसके प्राइसिंग की, तो ये अराउंड आपको 4500 का पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपको इसका लुक और साउंड पसंद आता है तो आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक, अमेजोन की अथेंटिक लिंक है वहाँ से। तो दोस्तों इस स्कर्ट साइलेंसर के साथ कुछ क्लैंप और ये नट बोल्ट मिल जाते हैं जो से फिट करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपको। बुलेट 350 हो, इलेक्ट्रो 350 हो, या फिर थंडरबर्ड हो, या फिर क्लासिक 350 हो, या 500 हो, ठीक। तो बिना देरी किए मैं दोस्तों इसे फिट करता हूँ अपने क्लासिक 350 में, और फिर सुनते हैं इसके स्टैंडिंग साउंड और फ्लाइवर साउंड की पहुंचेगी। दोस्तों ये अपनी क्लासिक 350 BSX स्टील ब्लैक जिसमें मैं फिट कर चुका हूँ ये स्कर्ट साइलेंसर। इसका लुक तो भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। अब सुनते हैं इसका स्टैंडिंग साउंड किस तरीके का इसका साउंड निकल के आता है, उसके बाद फिर फ्लाइबर साउंड, ठीक। ये था स्कर्ट साइलेंसर का स्टैंडिंग साउंड मेरी क्लासिक 350 BSX स्टील बैग में। आप लोग को इसका साउंड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। अब लेते हैं इसका फ्लाइबर साउंड टेस्ट की पहुंची। और दोस्तों फाइनली अब आपकी बारी, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, जल्दी जाइए और कमेंट में मुझे बताइए इस स्कर्ट साइलेंसर का लुक और साउंड आप लोग को कैसा लगा। आप लोगों ने सुना इसका स्टैंडिंग साउंड और फ्लाइबर साउंड मेरी क्लासिक 350 BS6 स्टील ब्लैक में। अब रही बात मेरे पर्सनल ओपिनियन की, दोस्तों सबसे पहले बात करना चाहूँगा इस स्कर्ट साइलेंसर के डिज़ाइन के बारे में, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। इसे मैं 10 out of 10 देना चाहूँगा डिज़ाइन को देखते हुए। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके साउंड की, तो मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा लाउड साइलेंसर ज़्यादा पसंद है, और जिसका साउंड था ना मिड था। और जैसा कि आप लोगों ने देखा तीन कंडीशन में आप लोगों ने साउंड सुना इसका, लो RPM, मिड RPM और हाई RPM में। तो लो RPM में तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल स्टॉक वाली फीलिंग देने वाला है ये, और जिसका साउंड हल्का सा फील होता है कि आप बुलेट चला रहे हो, तो वो था हाई RPM पे। और जिसका साउंड था ना दोस्तों, एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका जो साउंड निकल के आएगा वो थंप और बेस का मिक्स साउंड निकल के आएगा, लेकिन जो मैंने फील किया, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो 80% इसमें बेस था और 20% थंप था दोस्तों। तो दोस्तों ये जो साइलेंसर उन लोगों को ज़्यादा पसंद आने वाला, जिनको मिड साउंड पसंद है उन लोगों के लिए ये बेस्ट है, ठीक। अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में इस स्कर्ट साइलेंसर का कंप्लीट रिव्यू साउंड टेस्ट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस साइलेंसर भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।